ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जिला कांगड़ा के उपमंडल फतेहपुर के अंतर्गत पंचायत खटियार में सरकारी पैसे का दुरुपयोग करने व भ्रष्टाचार के आरोपों पर जिला पंचायत अधिकारी व एडीसी कांगड़ा के समक्ष खटियार पंचायत प्रधान पति प्रधान तकनीकी सहायक विकास खंड अधिकारी फतेहपुर ज्ञान प्यारी सहित तीन पंचायत सदस्यों ने जिला पंचायत अधिकारी कार्यालय में हाजिरी तो भरी, लेकिन उनके बयान दर्ज नहीं हो सके क्योंकि एडीसी व जिला पंचायत अधिकारी अचानक कोरोना वायरस को लेकर आयोजित बैठक में जाना पड़ा। जिला कांगड़ा के उपमंडल फतेहपुर के अंतर्गत पंचायत खटियार में सरकारी पैसे का दुरुपयोग करने व भ्रष्टाचार के आरोपों पर जिला पंचायत अधिकारी व एडीसी कांगड़ा के समक्ष खटियार पंचायत प्रधान तकनीकी सहायक विकास खंड अधिकारी फतेहपुर ज्ञान प्यारी सहित तीन पंचायत सदस्यों ने जिला पंचायत अधिकारी कार्यालय में हाजिरी तो भरी, लेकिन उनके बयान दर्ज नहीं हो सके क्योंकि एडीसी व जिला पंचायत अधिकारी अचानक कोरोना वायरस को लेकर आयोजित बैठक में जाना पड़ा। जिला पंचायत अधिकारी अश्विनी कुमार ने बताया कि इन लोगों को आज बुलाया गया था, लेकिन अचानक से विशेष बैठक का आयोजन होने के कारण पेशी को अनिश्चितकाल के लिए प्रस्तावित कर दिया। उन्होंने कहा कि इस मामले में जल्द ही नई तिथि निर्धारित कर तलब किया जाएगा। गौर रहे कि पिछले एक वर्ष पूर्व शिकायतकर्ताओं करमचंद, ब्रिजमोहन, स्वर्ण कुमार, विजय कुमार सहित करीबन 6 दर्जन लोगों ने एक साल पहले जिलाधीश कांगड़ा, जिला पंचायत अधिकारी व बीडीओ फतेहपुर को पंचायत खटियार में प्रति प्रधान की दखल अंदाजी 15 अगस्त की कार्यवाही खुद लिखने व उसमें जाली हस्ताक्षर करने, यहां तक कि पंचायत सदस्य जो इस बैठक में नहीं आए थे उनके भी जाली हस्ताक्षर कर दिए थे। वो बिना किसी एजेंडे के आईआरपीडी में पात्र लोगों को दरकिनार कर अपने चहेतों को फायदा पहुंचाया था, जबकि मनरेगा में फर्जी हाजिरियां लगाने की लिखित शिकायत की थी। इन सभी की पंचायत निरीक्षक द्वारा की गई जांच के उपरांत कई तथ्य भी सामने आए थे, जिस पर कार्यवाही करते हुए जिला पंचायत अधिकारी ने पंचायत प्रधान को तीन कारण बताओ नोटिस भेजे और इसके बाद कार्यवाही ठंडे अवस्थे में चली गई थी। इसकी शिकायत फतेहपुर में आगमन के दौरान मुख्यमंत्री से की थी, जिस पर मुख्यमंत्री ने जांच करने के आदेश दिए थे। शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि कारण बताओ नोटिस के बाद बीडीओ फतेहपुर ने शिकायतकर्ताओं की गैर हाजिरी में पंचायत प्रधान का बचाव करते हुए जांच कर पंचायत प्रधान के पक्ष में जांच रिपोर्ट बनाकर जिला पंचायत अधिकारी धर्मशाला को भेज दी थी, जिससे शिकायतकर्ता खफा हो गए थे और जिलाधीश कांगड़ा से मिलकर बीडीओ की जांच पर सवाल उठाए थे। शिकायतकर्ता का ये आरोप भी है कि पंचायत में महिला प्रधान का पति अक्सर ही अपनी मनमानी करता है। आज जो ग्राम पंचायत खटियाड़ विकासखंड फतेहपुर की हमने जो पर्सनल हियरिंग रखी थी, उसमें एडीसी सर ने जो थी वो ये हियरिंग करनी थी। तो उससे पहले हमने एक ग्राम पंचायत बेली मंदा की जो थी वो भी उनकी प्रोसीडिंग चली हुई थी, उसके बारे में उनको बुलाया गया था। तो आज जो था वो हमारे चीफ सेक्रेटरी महोदय ने एक कोरोना वायरस के बारे में कोई आवश्यक बीसी रखी थी, जिस कारण वो हमें 4 बजे उस मीटिंग में जाना पड़ा। तो इस कारण जो था वो ये खटियाड़ की पंचायत की जो प्रोसीडिंग थी उसको हमने निलंबित कर दिया फिलहाल, और अगली पीसी के लिए जो है वो पदाधिकारियों को द्वारा बुलाया जाएगा। ये मामला क्या है? इसमें कुछ जो पंचायत के सदस्य हैं उसमें ग्राम सभा की बैठक में उनके फेक जो दस्तखत हैं उसके बारे में कहा गया है, और दूसरा जो था वो वहाँ पर जो कुछ काम हुए थे पंचायत में उनके बारे में जो एक हमारे कंप्लेंट आई थी कि वो काम जो है वो सेल्फ में और काम थे और वास्तव में पंचायत ने और काम करवाए हुए हैं, तो इसके बारे में भी उसकी हमने रिकॉर्ड चेक करना था, लेकिन इसी कारण ये बैठक जो है हमें निलंबित करनी पड़ी है।